खान मामले में अब एक और बड़ी खबर आई है जो हम आपको देना चाहेंगे। अमेरिका यूरोप से मंगाए गए सामानों के बारे में लगातार अधिकारी बात कर रहे हैं। अनन्या पांडे से बातचीत के बाद एनसीबी को जो मालूम चला उसके जरिए और भी शहर में 6 स्थानों पर तलाश और कुछ संदिग्धों के पास मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जब्त होने के बाद जो है स्टेटमेंट सामने आए हैं कि वाकई में कहीं न कहीं ये मामला पेडलर्स और सप्लायर्स के साथ जुड़ा है। आर्यन खान को लेकर ये भी खबर आई है कि जहाज में जो छापेमारी में चीजें मिली हैं वो आर्यन खान से लिंकअप है, इस तरह के स्टेटमेंट सामने आए हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस के बाद जो है अब ये भी खबर आ रहा है कि 25 करोड़ और 26 करोड़ की जो मांग थी इन सभी को अफवाह बताने वाले समीर वानखेड़े जो है उन्होंने पूरी तरह से तैयारी की है कि आर्यन मामले में जो उन्होंने तहकीकात की है उसे सच साबित करें। जर्नल यूनिट की तरफ से लगातार स्टेटमेंट जारी है। इन सब के बीच हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में बैंक डिटेल्स की पड़ताल लगातार जारी है और बैंक डिटेल के जरिए पता लगाया जाएगा कि किसने कितना ड्रग्स खरीदा और किसने कितना ड्रग्स बेचा है। ड्रग रैकेट में आर्यन खान शामिल है भी या नहीं, इस बारे में उनके फाइनेंशियल बैंक बैलेंस और वित्तीय लेन देन के जरिए पता लगाया जाएगा। आरोपियों ने इसे कहा है कि हासिल किया जाएगा जो भी चीजें, उन सब को कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। इसी के साथ साथ लेन देन के रिकॉर्ड को जुटाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं और तो और व्यावसायिक इस्तेमाल की जो मात्रा है उससे प्रूफ करने के लिए आर्यन खान के भी वित्तीय लेन देन की लगातार बैंक डिटेल्स के जरिए जांच की जाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।